अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर मुसीबत हर परेशानी से अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुमा आमीन। हदीस का मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से पढ़ा करो, क्योंकि वो अर्श के खजानों में से एक खजाना है। तो अल्लाह पाक हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से आलू और अंडे के कबाब, तो देखते हैं उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मैंने लिए 1 किलो, उसको मैंने बॉईल कर लिया है, पूरे वाला अच्छी तरह से पका के गला लिए और छील के इनको मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है। 2 अंडे लिए हैं, इनको भी मैंने हार्ड बॉईल कर लिया है। हरे धनिया की पूरी 1 गड्डी ली है। हरी मिर्चें मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ली हैं, 10 से 12 अदद। आप लोग कम खाते हैं तो आप लोग कम डाल लीजिएगा। ये मैंने गोभी ली है, ये एक कटोरी के बराबर ली है मैंने उसको, और पहले मैंने उसको क्रश करके गाजर वाले क्रश करने वाले से उससे क्रश किया है, उसको फिर ज़रा सा नमक डाल के 1 टीस्पून, और इसको बिल्कुल इसमें जो पानी आया है वो मैंने निकाल दिया है। ये देखें, इस तरह से मैंने इसका पानी सारा ड्रेन कर दिया है, तो ये बिल्कुल पानी के बगैर हमारी ये गोभी, इसको चॉप करके हमने यहाँ रख दी है। और हमने मसालों में लिया है, मैंने ओरिगेनो लिया है 1 टीस्पून, हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून, चाट मसाला मैंने 1 टेबल स्पून, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप लोग देखना चाहें तो घर का बना हुआ देख सकते हैं। और ये मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून। चलिए देखते हैं किस तरह से बनेंगे। देखिए, आलू को मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और ये गोभी भी हमारी ग्रेट हुई है, तो ये सब चीज़ें मिक्स कर लेंगे। ये अंडे भी मैंने इसको इस तरह से ही वो ग्रेटर से ही है मैंने गाजर कट करने वाले से। सब चीज़ें इसमें डाल देंगे, हरी मिर्ची वगैरह सब, ओरिगैनो और ये हल्दी, चार मसाला, ओरिगैनो ज़रूर डालिएगा कि इसका ज़रा जायका बड़ा अच्छा लगता है इससे, चिकन पाउडर, कुटी मिर्चें, और ये 2 मैंने ब्रेड के पीसेस लेके इनको इस तरह से हाथों से ही तोड़ लिया है इसको, ना तो बासी रखी हुई होती है ना 1-2 दिन पहले की हमारे पास ब्रेड, तो उसको ले लेंगे हम। ये भी डाल दूँगी मैं इसमें, अब एक इसको बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करके मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया, आप लोगों को लग रहा होगा मैंने इसमें नमक नहीं डाला, हमने चाट मसाला डाला है, और गोभी में मैंने थोड़ा सा नमक जो डाला था वो हमारे नमक मैंने चख लिया है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप लोगों को कम लगे तो आप थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा। बस थोड़ा सा लेके इस तरह से हम छोटे बनाने हैं, बड़े बनाने हैं, इस तरह से ही बना लें आप। ये बच्चों के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं इनको इस तरह से करके, और आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि हेल्दी रेसिपी है, मज़ेदार से कबाब बनेंगे तो बच्चे शौक से भी खा लेंगे। मैं इस तरह से मैं कबाब बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब ये जो कॉर्नफ्लोर है इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और चुटकी भर नमक, और थोड़ी सी इसमें से ओरिगैनो डालेंगे थोड़ा, और इसको थोड़ा पानी डाल के इसका पतला सा एक घोल बना लेंगे। ये देखिए, कबाब बना लिए मैंने इस तरह से, और ये हमने सलाड़ी भी तैयार कर ली है, बस इसके अंदर एक एक करके डिप करेंगे इसको इस तरह से, और इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, मेरा एक ग्रिल पैन है, ज़रूरी नहीं है ग्रिल पैन हो, आप कोई सा भी पैन ले सकते हैं। मैं इस तरह से सलाड़ी में डिप कर करके मैं इसको डालती रहूँगी, इसको दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, एक तरफ से सीख गए थे तो मैंने इसको पलट दिया है, अब दूसरी तरफ से भी इसको मैं इस तरह गोल्डन करके और इसको निकाल लूँगी, फिर मैं आपको डिसाउट करके दिखाऊँगी। मज़ेदार से हमारे आलू के कबाब तैयार है, इसको हमने लहसुन की चटनी के साथ सर्व किया, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।